अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं आपको आज हल्की सी बारिश हुई है वो दिखा रहा हूँ। मौसम बड़ा प्यारा है हमारा, इधर अभी भी हल्की हल्की बारिश हो रही है। मैं इस वक्त मिलाद चौक से गुजर रहा हूँ। मैंने कहा मैं अपने व्यूअर्स को ये खूबसूरत माहौल और मौसम भी दिखाऊँ। बारिश के साथ ही सर्दी में इजाफा हो रहा है, हवा भी जा रही है ठंडी। देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि उस पोस्ट को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा डस्का के रहने वाले जो बिरून मुल्क में मुकीम हैं वो अपने शहर का इस वक्त का मौसम देख सकें। और कमेंट में आप बताएंगे आप कहाँ कहाँ से देख रहे हैं। सूप की शॉप रेडी है, अजान हो रही थी इसकी वजह से मैं खामोश था। हमारे शहर में इस वक्त बारिश हो रही है हल्की हल्की और बड़ा अच्छा माहौल बना हुआ है, हवा भी तेज़ जा रही है, सर्दी का इजाफा हो रहा है। मेरी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है कि वो इस पोस्ट को शेयर कर दें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस पोस्ट को देख सकें। और मेरे शहर का इस वक्त का जो मौसम है बादल भी हैं हल्के हल्के। इस वक्त मैं सिविल क्लब के सामने खड़ा हूँ। इससे पहले कॉलेज रोड और
मिलाद चौक और कचहरी चौक की आपने वीडियो देखी होगी। ये मेरी आपको अम्ब्रेला भी नज़र आ रही है क्योंकि कोई कोई हल्की हल्की बारिश हो रही है। मैं आपको बैंक रोड तक लेके जाता हूँ वीडियो दिखाने के लिए। ड्राई फ्रूट की दुकानें सज गई हैं, गर्म कपड़ों की दुकानें बारिश के साथ साथ ये ड्राई फ्रूट वगैरह की दुकानों की रुकावट हो रही है। आगे मैं आपको दिखाता हूँ ये गर्म कपड़े टोपियाँ मेरे शहर डस्का में, ये काले रोड में आप किधर के हैं? जो यार देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वो पोस्ट को शेयर करें। ये ड्राई फ्रूट की शॉप है, आपको आसमान में बादल भी नज़र आ रहे होंगे, हल्की 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 बारिश है, बिल्कुल ट्रैफिक की रवानी जा रही है। मैं इस वक्त गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज वाई के बाद इसके आगे से गुजर रहा हूँ। ये हमारा ब्रदर, आप पोस्ट को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग ये मौसम देख लें और हमें बताएं कि आप कहां से देख रहे हैं। सब व्यूअर से रिक्वेस्ट है कि वो कमेंट में ज़रूर बताएं कहां से वो देख रहे हैं। कमेटी का ऑफिस है इधर, ये खूबसूरत दीवार हमारे डस्का के असिस्टेंट कमिश्नर राव सेल हत्तर ने बनवाई थी, लेकिन अभी तो काफ़ी वीरान है नज़र आ रही है। तब बड़ी बहार थी, इस पर शेर निकल गई, पौधे लगे हुए थे यहाँ नीचे, आप देख रहे हैं यहाँ पौधे थे, बड़े खूबसूरत लाइटिंग हुई हुई थी। भाई बहुत शुक्रिया, आप दुबई से देख रहे हैं, आप काइंडली इसको शेयर भी कर दें ताकि आपके दीगर फ्रेंड्स जो हैं उनको टैग करके करें ताकि वो भी ये इसको इवेंट को देख सकें जो डस्का के हैं। इस वक्त मैं अरफान शहीद चौक में आ गया हूँ। मैं आपको ये भी वाजह तौर पर दिखाना चाहता हूँ, यहाँ पौधे आपको मिलेंगे गमलों में। ये डस्का के बाद में डस्का हैं एमएल चोरी एमएल फ्रूट साई साहब, उन्होंने ये पौधे यहाँ पे गमलों में रखे हैं। कल से उनका ये प्लान चला हुआ है कि डस्का को अच्छा खूबसूरत बनाना है। इसके अलावा उनका प्लान है, मैं रास्ते में आपको दिखाता हूँ, जो फुहारे वगैरह या उसके अलावा
या आपके कल्चर के रिलेटेड इधर बनाए हुए थे वो ख़राब हो गए हैं बैंक रोड पे, उनका की रेनोवेशन का भी उन्होंने कहा है कि इंशाल्लाह ताला जल्द हम उसको एक्टिव करेंगे। ये इस वक्त बैंक रोड है, बैंक रोड से भी मैं आपको जाते हुए दिखाता हूँ। चौचौरी अहमद फरूख साई अपना टाउन हाउसिंग स्कीम वालों ने, जो जंडू रोड पे उनका अपना टाउन हाउसिंग स्कीम वालों ने ऐलान किया है कि वो इंशाल्लाह जल्द ये जो हमारे कल्चर के रिलेटेड उनको एक्टिव करेंगे। अभी मैं बैंक रोड के पास पे हूँ, आपको ये बैंक रोड जो हमारे लारी अड्डा की तरफ जाता है वो मिलेगा। ये देखें हमारा एक कल्चर स्काफर, ये भी है कि बग्गी है जो दुल्हों वगैरह के लिए तैयार होती है, ये भी हमारा कल्चर है जो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होता जा रहा है, जो कारों और जीपों और प्राडों में तब्दील होता जा रहा है हमारा कल्चर। जी व्यूअर्स, आप पोस्ट को शेयर करें दोस्तों को टैग करके, और उसके अलावा आप ये भी बताएं कमेंट में आप कहाँ से देख रहे हैं, आप सऊदीया से अबू बकर भाई देख रहे हो, आप टैग करके अपने दोस्तों को भी करें कि मैं आपको पहला बता रहा हूँ ये वेल बनाया है कुआँ जिसको कहते हैं, मॉडल उसका बनाया हुआ है, ये आपको नज़र आ रहा है, लेकिन इसकी अभी हालत देखें क्या है। इंशाल्लाह जल्द चौधरी अहमद फरूखसाई अपनी मदद आपके तहत इसको एक्टिव करेंगे। अभी तो इसकी हालत आप देख सकते हैं क्या है, ये आपको कचरा भी इसमें अंदर नज़र आ रहा होगा, ये इंशाल्लाह जल्द एक्टिव होगा, चल रहा होगा जैसे कभी चलते थे ये। इसी तरह दूसरी रोड पे जो आने वाला रोड है उस पर भी ऐसे ही है, मॉडल्स बने हुए हैं, बड़े बड़े घड़े हैं, उनमें शॉवर थे, फाउंटेन थे, वो भी आगे मैं उसकी हालत आपको दिखाता हूँ। वो भी मेरा मकसद है ये गलत या गंदी चीज़ें दिखाने का नहीं है, मेरा मकसद ये है कि हमारे एक मुहैर शख्स ने जो अपना टाउन हाउसिंग स्कीम का चला रहे हैं जंडूर और डस्का में, उनकी है हाउसिंग स्कीम, उन्होंने अपनी मदद आपके तहत ये शहर में मुख्तलिफ जगहों पर जैसे मैंने पहले गमले दिखाए हैं वैसे ये गमले लगाए हैं, रखे हुए हैं। अभी इंशाल्लाह उन्होंने कहा है कि मैं इनकी रेनोवेशन सारी करके तो ये जो जितने मॉडल्स हैं बैंक रोड पर उनको एक्टिव करूँगा। अल्लाह ताला उनको हिम्मत दे, इस्तेमाल दे। ये डस्का से शहर में एंटर बैंक रोड आता है, जो डस्का को नहीं जानते, जो लोग जानते हैं उन वो ज़रूर इस एरिए को जानते होंगे। यहाँ मोस्टली दोनों तरफ बैंक्स हैं, और बैंक्स के अलावा जो ब्रांड हैं मुख्तलिफ वो हैं, उसके अलावा इंस्टॉलमेंट देने के लिए चीज़ें जो इलेक्ट्रिक की हैं वो उनकी शॉप्स हैं, ज़्यादा ब्रांड भी हैं इधर। ये व्यूअर्स, आपको मैं दूसरा मॉडल दिखाता हूँ जो बांधे पड़ा हुआ है, उसकी भी हालत ज़ार पर रहम ही आता है। ये दूसरा मॉडल है जो फाउंटेन था, कभी बड़ा अच्छा चलता था, अभी बंद है, लेकिन ऐलान किया है अहमद फरूख साई साहब ने, चौधरी साहब ने, कि इनको मैं एक्टिव करूँगा। अभी इसकी हालत देख रहे हैं, ये जालियाँ भी, ग्रिलें भी टूटी हुई हैं, मोटर भी मुझे लगता है गैप है। ये एक साइड पे तीन बने हुए हैं, यहाँ किसी वक्त खजूरें भी होती थी, बड़ी खूबसूरत लगी हुई खजूरें थी। अब इनकी हालत ये देख सकते हैं आप, ये कुछ खजूर का सुरा नीचे का तना रह गया। ये तीसरा मॉडल मैं आपको दिखाता हूँ, इस साइड पे तीन है और तीन ही उस साइड पे हैं, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये
एक शॉपिंग मॉल बन रहा है हमारे दस्का के एंटर होते ही आपको मिलेगा ये मास्टर शॉपिंग मॉल। अंडर कंस्ट्रक्शन है, इसमें एक शॉप की अभी तक ओपनिंग हुई है जो आपको नज़र आ रहा है। यहाँ तीसरा मॉडल अभी आ रहा है, अंधेरा है जिसकी वजह शायद आपको क्लियर नज़र आए, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि आपको क्लियर नज़र आए। मैं इसमें फ्लैश का इजाफा करता हूँ। जो भी और देख रहे हैं वो इसको शेयर भी करें दोस्तों को टैग करके, और दूसरा इसको अपना लोकेशन भी बताएँ कि आप इस वक्त कहाँ से देख रहे हैं। ये व्यूअर्स तीसरा जो बड़े बड़े घड़ों का मॉडल एक बनाया गया था, इसकी हालतेदार अभी देख लें, और इंशाल्लाह जब चोरिया में फरूख शाही साहब इसको मुकम्मल करवाएंगे तो मैं आपको दोबारा दिखाऊंगा कि ये देख लें पहले ही हालत क्या थी। अभी इसके कनेक्शन वगैरह भी टूटे हुए हैं। ये अभी फ्लैश के साथ में दिखा रहा हूँ, कनेक्शन वगैरह भी टूटे हुए हैं, ग्रिल भी गिरी हुई है। आप देख सकते हैं ये हमारे इधर जहाँ बैंक रोड से एग्जिट करते हैं हम जाने वाला गुजरांवाल की तरफ से रोड जो है वहाँ पे ये है जो आपको नज़र आ रहा है। यहाँ कुछ पौधों ने बड़ी अच्छी ग्रोथ की है जो आपको नज़र इस वक्त आ रहा है। कुछ पौधों ने बड़ी अच्छी ग्रोथ की, उनकी केयर हुई है, और कुछ इस तरह खुशक हो गए हैं। ये देखें एक ने ग्रो करके वो कितना बड़ा बन गया, इकट्ठे ही लगे थे, प्लांट हुए थे, तब भी मैंने वीडियो बनाई है। अगर मेरी ओल्ड वीडियो देखें तो आपको उसमें मिल सकता है। वो देखने के लिए आप यूट्यूब पे जाएं और ई डस्का चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ में मेरी तमाम वीडियोज आपको वहाँ मिलेंगी। एक तरह देखो खुशक आपको नज़र आ रहा है, दूसरा कितना प्याली है, और आगे आपको वो खजूरें जो मैंने बताया था जिक्र किया था वो भी मैं आपको दिखाऊँगा। ये एक खजूर लगाई गई थी लेकिन इसकी भी फसल ना होने की वजह से ऊपर से बिल्कुल ये खुशक हो गई, अब तरह ही नज़र आ रहा है। ये इधर भी एग्जिट पे एक फुहारा भी बनाया गया था मॉडल्स के अलावा, वो भी मैं आपको उसकी भी हालत दिखाता हूँ। और सिविल चौक पे एक फुहारा था जिसका सब कुछ सारा सामान तोड़ के ले गए थे लोग, तो उसका कवर रह गया था, तो ई डस्का ने वहाँ पर पौधे लगाए हैं, वो भी आप उधर डस्का के लोकल हैं तो देख सकते हैं, या ई डस्का पेज भी आप देख सकते हैं। ये एक फुहारा है जो अभी मुझे कुछ सलामत लग रहा है, लेकिन इसकी मोटर्स वगैरह ख़त्म हो गई होंगी, अभी भी इसमें कचरा नज़र आ रहा होगा। ये भी खजूर, ये फल फूल रही है खजूर। जी भी और मैं कोशिश करता हूँ दूसरी साइड पे जाते हुए वापसी मैं आपको दूसरे जो है मॉडल्स वो भी दिखाऊं, और बैंक रोड का दूसरा हिस्सा भी मैं आपको दिखाऊं। ये वापसी डस्का शहर जाने के लिए रास्ता है जिस पे मैं फल पे आया हूँ। पौधे आपको नज़र आ रहे हैं, जब ये डेवलप हुआ था आज से 3 साल पहले तब ये पौधे वगैरह लगाए गए थे, ये आपको नज़र आ रहे होंगे। अंधेरे की वजह से शायद कम नज़र आ रहा हूँ, ये कचरा भी हाल में आपको है। मैंने दर्जनों दफ़ा ये सामने जो दुकानदार आपको नज़र आ रहे हैं, दर्जनों दफ़ा ज़ाती तौर पर मैंने जाके इनसे रिक्वेस्ट किया कि अपना सारा कचरा एक शापर में डाल के, ये साथ ही डस्टबिन है उसमें डाल दिया करें, लेकिन कोई भी इस पर ध्यान नहीं दे रहा।
साथ ही गवर्नमेंट ने ये पौधे भी लगाए हुए हैं। अब हम कितना कहें गवर्नमेंट को वो काम करे, असिस्टेंट कमिश्नर ने पौधे भी लगाए हुए हैं, लेकिन जब इतना कचरा होगा, इतनी इनकी हीट होगी, तो ये पौधे आगे ज़िंदा रहने के लिए ना काबिल हैं। ये देखें, ये दरख्त है, अभी एक मॉडल वैसे ही जैसे मैंने पहले आप लोगों को दिखाया है, वेल का, कुएं का एक मॉडल बनाया गया था। इसकी तो जाली भी उतार के को ले गया, चारों तरफ इनके ग्रिल थी, लाइटें ये आपको नज़र आ रही हैं, अभी लगी हुई हैं, लेकिन बंद है। मॉडल का हाल आप देख सकते हैं, मैं लाइट ऑन करता हूँ। ये देखें अंदर इसका हाल आपको नज़र आ रहा है, ये ग्रिल इधर से उखाड़ ली गई है, यहाँ चारों तरफ ग्रिल थी। मोटर अभी बरकरार है, ये मोटर है, और मेरी अगर अहमद फरूसाई साहब ये वीडियो को देखें तो मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि आप जल्दी जल्दी से जल्दी इसको रिपेयर करें, ताकि इससे पहले के दीगर चीज़ें जो हैं लोग उतार के ले जाएंगे। ये मास्टर शॉपिंग मॉल है जो अंडर कंस्ट्रक्शन है अभी। ये व्यूअर्स, बारिश रुक गई है, लेकिन हवा चल रही है और हवा जो है ठंडी है काफ़ी। जी भैया, अभी मुझे आप इजाज़त दें, क्योंकि हवा है, अभी बारिश रुक गई है। मैंने जो मुझे अच्छा लगा मैंने वो भी दिखाया, जो मुझे बुरा लगा मैंने आप लोगों को वो भी व्यू करवाया। मेरा मकसद नेगेटिव है क्योंकि नहीं दिखाना, मेरा मकसद ये है कि अगर हम कोई चीज़ गवर्नमेंट हमारे टैक्सीज के पैसों से अगर लगाती है कोई चीज़, तो बाद में उसकी केयर भी की जाए। ये लगाना तो आसान होता है, इसकी केयर करना मुश्किल होता है। जैसे पौधा है उसको लगाना बहुत आसान है, तो हल्का सा गड़ा निकाला, उसमें डाल लगाया और बंद करके चले गए, लेकिन इसकी केयर जो है बच्चों की तरह करनी पड़ती है। इसी तरह ये जो मैंने आपको मुख्तलिफ मॉडल्स दिखाए हैं, ये मॉडल्स भी लगे थे तो बड़े खूबसूरत है, बड़ी दुनिया आती थी देखने, लेकिन अब उसकी हालत ज़ाहिर ऐसी है कि बाद में आने वाले असिस्टेंट कमिश्नर एडमिनिस्ट्रेटर उन्होंने इतनी तवज्जो नहीं दी कि वो तवज्जो देते, किसी आदमी को डिब्यूट कर देते। अभी भी मेरी असिस्टेंट कमिश्नर डस्का मैडम मारिया जो इससे रिक्वेस्ट है कि अगर सिर्फ दो माली DMA में दो माली इस बैंक रोड पे डिब्यूट कर दें तो सारे पौधे भी अच्छे हो सकते हैं। उनकी जिम्मेदारी दें सुबह शाम की, डिवाइड कर दें उनकी ड्यूटी, तो इंशाल्लाह ताला इसका रिजल्ट आपको दिनों में मिलेगा, महीनों में भी नहीं, दिनों में मिलेगा। बहुत शुक्रिया व्यूअर्स, इंशाल्लाह अगले किसी सेगमेंट में आप दोबारा हाज़िर होंगे, तब तक के मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।